नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको रेगुलरली एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास देता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, और जो लोग आते रहें वो कमेंट जरूर करते रहें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फटाफट से जुड़ जाइए, फटाफट से आ जाइए। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में आप सभी के सामने आया हूं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर हमारे हुए हैं, उसमें हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीरीज में कई सारे लेक्चर्स को स्टडी किया है, उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो हर बार की तरह आज हम क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारे से थॉट के साथ में आज की क्लास शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, ये थॉट मैं इसलिए क्लासेस में लेता हूं जिससे आप मोटिवेट हो सकें। देखिए, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उससे कुछ लोगों में डीमोटिवेशन भी होता है पढ़ाई को लेकर के। तो उस डीमोटिवेशन को खत्म करने के लिए, उसे घटाने के लिए, कम करने के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं आपका। और जो लोग नर्सिंग कर रहे हैं, जो बीएमएस कर रहे हैं, मेडिकल का, पैरामेडिकल का, फार्मेसी का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल एक वरदान साबित होने वाला है 100%, क्योंकि रेगुलरली मैं इस पर क्लास लेता हूं, आगे भविष्य में लेता रहूंगा, और ये क्लास बिल्कुल फ्री है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैं ये चाहता हूं कि आप सबको एक्सपर्ट बना दूं। सारे क्वेश्चंस आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड ठीक करें, कोई भी गड़बड़ी ना करें, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाए, और आपका सिलेक्शन अपने ड्रीम कॉलेज में हो जाए, अपने ड्रीम को आप पूरा कर सकें, बस मेरी यही इच्छा है। चलिए, तो हमसे इस समय दो लोग जुड़ चुके हैं, दो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस समय हमसे जुड़ चुके हैं, वो प्लीज आगे इस क्लास को शेयर जरूर करें, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, और जो लोग जुड़ चुके हैं हमसे, वो कमेंट जरूर करें कि कौन कौन जुड़ चुका है, जिससे मुझे पता चले। मैं जानना चाहूंगा वो कौन कौन हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे एक प्यारे से थॉट के साथ में। वो थॉट है, अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपने मेहनत को अपनी आदत बना लिया, अपनी आदत में कर लिया शामिल, आपको मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करनी है, दबा के पढ़ाई करनी है, तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। लोग कैसे कहते हैं, किस्मत है, किस्मत है, उसके पास ये है वो है, किस्मत की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। हर किसी इंसान का जो सक्सेस है वो किस्मत के पीछे नहीं, उसकी मेहनत के पीछे होती है। ठीक है, जितनी मेहनत जो इंसान करेगा उतनी ही किस्मत उसकी चमकती चली जाएगी, उतनी ही किस्मत उसकी बेहतर बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी आशा के साथ में आज की क्लास हम शुरू करते हैं। रितु, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रितु। साथ के साथ क्लास को शेयर जरूर करते रहें, और आज की क्लास निश्चित मैं आपको गारंटी देता हूं कि ईसीजी के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स ऑफ ईसीजी के बारे में, तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए, सामने एक सुंदर सा फोटो भी लगा हुआ है, उसे देखिए गौर से कि कैसे छोटी सी चींटी एक लकड़ी के टुकड़े को उठा रही है। तो ये शो करा रहा है कि एक छोटा सा जानवर, एक छोटा सा इंसान, यानी एक छोटे लेवल का इंसान या एक कमजोर स्टूडेंट, ये भी दर्शा रहा है फोटो कि एक कमजोर स्टूडेंट भी बहुत अच्छी पोजीशन में जा सकता है अगर वो मेहनत को अपनी आदत बना ले। ठीक है, तो बिना देर किए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम शॉर्ट में ईसीजी कहते हैं। ठीक है, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो वॉइस, सारी चीजें क्लियर आ रही हैं? अगर क्लियर आ रही हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें, बताइए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर आपको क्लियर वॉइस आ रही है तो हम क्लास को कंटिन्यू करें, आगे करें। चलिए, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी क्या होता है, हमको ये जानने की जरूरत है। ईसीजी पढ़ने से पहले कुछ टर्म है जो आपको पता होने ही चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए। देखिए, ईसीजी से तीन
टर्म अलग अलग बनते हैं। पहला बनता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, पहला टर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द टेक्निक बाई विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर स्टडी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, कंडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकुंजी फाइबर, वो सभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज शो करते हैं हार्ट के अंदर। तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसी की जांच करना, उसी को जांच करने वाले प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप कभी भूलोगे नहीं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मीन्स होता है एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दूसरा टर्म है ईसीजी से ही रिलेटेड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लोग क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मीन्स जो ग्राफ ईसीजी की मशीन में से निकल के आता है, जो ग्राफिकल रिकॉर्ड ईसीजी की मशीन में से निकल करके आता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। ऐसा नहीं है, आप इस भ्रम में ना रहें कि वो ग्राफ है। ग्राफ तो मशीन का नाम है, याद रखिएगा, इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन रिकॉर्ड द ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आर द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन हेल्प इन रिकॉर्ड ऑफ ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो उस मशीन का नाम है जिसके द्वारा हम ईसीजी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नर्सिंग के सभी जितने भी नर्सिंग के, मेडिकल के, बीएमएस के, पैरामेडिकल के जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी नर्सेस हैं, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं जो इस समय देख रहे हैं वीडियो को, वो लगातार शेयर करते रहें। और इस समय हमसे जुड़ चुके हैं कई सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सीबू खान, गुड मॉर्निंग। इस समय सीबू गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग चल रहा है, चलो कोई नहीं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इट इज ए ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ ईसीजी। मैंने आपको बताया कि लोग क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस ग्राफ का नाम है जो निकल करके आता है ईसीजी मशीन से, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्राफ, जो रिपोर्ट ईसीजी की निकल करके आती है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उस ग्राफिकल रिकॉर्ड का नाम है जो ईसीजी से निकलता है। ठीक है, तो हमने तीन चीजें क्या पढ़ी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक का नाम है, प्रोसीजर का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उस ग्राफिकल रिकॉर्ड का नाम है जिसके द्वारा ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है फादर ऑफ ईसीजी कौन है, फादर ऑफ ईसीजी हम किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ ईसीजी कहलाते हैं विलियम इंथोविन, विलियम इंथोविन आर द फादर ऑफ ईसीजी, याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ईसीजी का यूज क्या है। भाई कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई यूज होता है, ऐसे ही ईसीजी का भी यूज है। तो आपके सामने मैंने लगभग 6 से 7 यूज आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन इसके अलावा भी ईसीजी के कई सारे यूजेस होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लगा करके सुनिएगा वो कौन कौन से यूज हैं। तो यूजेस ऑफ ईसीजी में सबसे पहला यूज है हार्ट रेट। ईसीजी का यूज हम हार्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, हार्ट रेट माने हृदय की चाल। अगला हार्ट की रिदम, हार्ट किस रिदम से चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी हम ईसीजी से पता कर सकते हैं। तीसरी जो डिटरमिनेशन का मेथड है वो है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का कंडक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता भी हम ईसीजी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। देखिए इंफ्रैक्शन टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इंफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से उसका डेथ हो जाना, मर जाना। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मींस क्या हो गया, मायोकार्डियम माने हार्ट की सप्लाई, सॉरी हार्ट को अंदर या मायोकार्डियम के अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स हैं, मायोकार्डियम है, उसकी ब्लड सप्लाई के अंदर क्या हो जाना, रुकावट आ जाना, या उसकी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाना, जिससे मायोकार्डियम टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पता करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट अटैक।
अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक है, हमें ये पता करना है कि है कि नहीं, तो उसका हम ECG करा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये कोरोनरी आर्टरी क्या है? ये कोरोनरी आर्टरी ऐसी ब्लड सप्लाई है जो हार्ट को सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है, याद रखिएगा। तो इस हार्ट की ब्लड सप्लाई में अगर कोई रुकावट है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो उसका पता हम किससे कर सकते हैं? ECG से। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, याद रखिएगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर। अगर किसी पेशेंट में हार्ट के चैम्बर के साइज बढ़ गया है, हाइपरट्रॉफी हो गई है, हाइपरट्रॉफी मींस इंक्रीज इन द साइज, सेल का साइज बढ़ गया है, तो उस समय उसका पता हम ECG से करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको डिटर्मिनेशन बताए, ECG के द्वारा हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम ECG के पेपर की। अब हम किसकी बात करेंगे? ECG के पेपर की। तो ये ECG का पेपर क्या होता है? एक स्पेशल पेपर होता है ECG का पेपर, जो रिकॉर्ड ECG को करने के लिए यूज होता है। याद रखिएगा, इट इज द पेपर दैट यूज टू रिकॉर्ड ECG। ECG को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल पेपर होता है, एक स्पेशल कागज होता है, उसे हम ECG पेपर कहते हैं या ECG ग्रिड कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, मैंने आपको नीचे एक डायग्राम बना करके दिखाया है, एक डायग्राम में इजीली दिखाने की कोशिश की है कि जो ECG पेपर है उसका कुछ सेगमेंट मैंने यहां पर लिया है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ब्लैक कलर के बॉक्स से मैंने इसको बंद करके दिखाया है आपको। तो ये जो पूरा बॉक्स है, ECG के पेपर में कई सारे बॉक्स होते हैं, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं गौर से, पांच पांच लगातार बॉक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे बने हुए हैं। याद रखिएगा, ECG के अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक मानते हैं हम वाई एक्सिस। भाई जितने भी ग्राफ है, ये ग्राफिकल कागज होता है, ग्राफिकल पेपर होता है, तो जितने भी ग्राफ होते हैं उन ग्राफिकल पेपर्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को माना जाता है। तो इसमें जो एक्स एक्सिस है वो हमें बताती है एम्पलीट्यूड, क्या बताती है? एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है वो हमें बताती है टाइम ड्यूरेशन, क्या बताता है? टाइम ड्यूरेशन। तो इस ECG के पेपर में एक छोटा सा सेगमेंट मैंने आपके सामने लिया है, तो आप देख सकते हैं ये जो सेगमेंट है ब्लैक कलर से जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला दोबारा से दिखाता हूं, ये इस सेगमेंट में 5 mm इसकी लंबाई भी है और 5 mm चौड़ाई है। डायमीटर इसका कितना है? 5 × 5 mm, याद रखिएगा। अच्छा, 5 mm के डायमीटर का जो बॉक्स है, इसका टाइम पीरियड भी स्पेशल होता है, टाइम पीरियड होता है 0.20 सेकेंड, नीचे देख सकते हो आप। और इस बॉक्स में अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, 5 mm के बॉक्स की बात कर रहा हूं, इसके अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो होता है 0.5 mV। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कई सारे क्वेश्चन ECG के ऊपर आते हैं। तो जो नर्सिंग के स्टूडेंट, जो नर्सिंग कॉम्पिटेटिव क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, ECG से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अन्यथा BMS के स्टूडेंट या नर्सिंग के स्टूडेंट, उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है, उनको तो पता होना ही चाहिए ECG कैसे होता है। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा, मैंने साइड में ब्लैक कलर से ही दिखाने की कोशिश की है, ब्लैक कलर के बॉक्स से दिखाया है कि जो बड़े कलर का, यानी जो बड़ा बॉक्स था, उस बड़े बॉक्स के अंदर ही छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। उन छोटे छोटे बॉक्स में बड़ी स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है? कि ये जो बॉक्स है वो 1 mm का होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 1 mm। बड़े बॉक्स का डायमीटर होता है 5 mm, छोटे का होता है 1 mm। ठीक है, तो 1 mm के डायमीटर वाले बॉक्स का टाइम अलग हो जाता है, याद रखना। 1 mm का जो बॉक्स होता है उसका टाइम पीरियड अलग हो जाता है, उसका टाइम पीरियड होता है 0.04 सेकेंड, कितना होता है? 0.04 सेकेंड। और इस छोटे बॉक्स में अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड होता है 0.1 mV। और इन्हीं छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर के एक बड़ा बॉक्स तैयार होता है, ये वाला। तो ये जो बड़ा बॉक्स है इसमें टाइम 0.20 सेकेंड होता है और एम्पलीट्यूड होता है 5 mm, सॉरी एम्पलीट्यूड होता है इसका 0.5 mV। तो इसको जरूर याद रखिएगा आप, ये हमने बात कर ली ECG के पेपर की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ECG की लीड्स की। अगर आपने ECG की लीड्स को सही फिट कर दिया, सही अलाइन कर दिया, सही तरीके से मरीज में लगा दिया, तो ECG सही आएगी। अन्यथा ECG में गलती होंगी, एरर होंगे, वो ECG ठीक नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं?
ईसीजी की लीड्स के बारे में। जितने भी स्टूडेंट इस समय लाइव देख रहे हैं, शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। जितने भी आपके पास में सोशल मीडिया साइट है उन पर आप जरूर शेयर करें उसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कि ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए कितनी लीड चाहिए। तो टोटल 12 लीड होती है ईसीजी को रिकॉर्ड करने में। अब यहीं पर कई सारे लोग उनके मन में ये कंफ्यूजन होगी, लोग ये भी सोचते हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो नर्स वर्क कर रही है या डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि हमने जितनी भी लीड आज तक यूज की है वो तो 10 ही लीड यूज की है, लेकिन आप सर कैसे बता रहे हैं 12 लीड। तो अभी एक एक करके सारी लीड्स को मैं आपको गिनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पेशेंस के साथ में सुनिएगा कि ईसीजी जो रिकॉर्ड की जाती है वो 12 लीड के साथ में रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन हम मरीज में प्रैक्टिकली जब यूज करते हैं तो 10 लीड यानी 4 हाथ और पैरों की यानी लिम्स की और 6 होती है चेस्ट के लिए, वो हम यूज करते हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जब हम रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी को तो 12 लीड का रिकॉर्ड हमारे पास में आता है, ठीक है। तो ईसीजी लीड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, याद रखना, ईसीजी लीड्स को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है बाइपोलर लीड्स, एक होती है यूनिपोलर लीड। दोबारा से सुनिए, एक होता है बाइपोलर लीड, एक होती है यूनिपोलर लीड्स, ठीक है। चलिए इनके बारे में भी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइपोलर लीड्स के बारे में। तो ये बाइपोलर लीड्स क्या होती हैं? ये बाइपोलर लीड्स को हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इनको हम? स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स। ये कहां लगाई जाती है? लिम्स पर लगाई जाती है, लिम्स मीन्स हमारे हाथ और पैर, उन पर लगाई जाती है, ठीक है। और ये बाइपोलर है, इसमें दो पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पोल्स होते हैं इनके अंदर, ध्यान रखिएगा। और ये 3 प्रकार की होती हैं। बाइपोलर लीड्स आर 3 टाइप्स। नंबर 1 लिम्ब लीड 1, नंबर 2 लिम्ब लीड 2, नंबर 3 लिम्ब लीड 3। और एक बात इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बाइपोलर लीड्स हमेशा लिम्ब लीड होती हैं, चेस्ट लीड नहीं होती। बाइपोलर लीड सिर्फ लिम्ब लीड होती हैं, वो 3 होती हैं, लिम्ब लीड 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब हम ये जानेंगे कि लीड 1 कहां लगाई जाती है, लीड 2 हम कैसे लगाते हैं, लीड 3 हम कहां लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीड 1 कहां प्लेस करते हैं। तो गौर से सुनिएगा, लीड 1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, लीड 1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम लेफ्ट आर्म पर कनेक्ट करते हैं। कहां कनेक्ट करते हैं? लेफ्ट आर्म पर। नीचे डायग्राम में देख सकते हो इजीली, नीचे आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो, लीड 1 का पॉजिटिव टर्मिनल, नीला जो तार जा रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो लेफ्ट आर्म पर जुड़ा हुआ है, और लीड 1 का ही जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म पर जुड़ा हुआ होता है, लाल कलर के वायर से मैंने आपको दिखाया है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है राइट आर्म से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लीड 2 की। तो लीड 2 कहां कनेक्ट होती है? भाई लीड 1 की हमने बात कर ली, अब लीड 2 की बात करेंगे। तो लीड 2 कहां कनेक्ट होती है? द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट टू द लेफ्ट लेग, याद रखिएगा, लेफ्ट लेग में कनेक्ट होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल होता है राइट आर्म पर। दोबारा से सुनिए, लीड 2 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट लेग में जुड़ा हुआ होता है, और लीड 2 का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है राइट आर्म पर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब बात आती है लीड 3 की। बाइपोलर लिम्ब लीड पढ़ रहे हैं हम, उसमें लीड 3 कहां लगाते हैं? लीड 3 लगाते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल, इसका लगता है लेफ्ट लेग पर, याद रखिएगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगता है लेफ्ट लेग पर, और नेगेटिव टर्मिनल लगता है लेफ्ट आर्म पर। दोबारा से सुनिए, लीड 3 में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट लेग पर ही लगता है, और नेगेटिव टर्मिनल लगता है लेफ्ट आर्म पर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब सामने आप देख सकते हैं जो हमने लीड 1, लीड 2, लीड 3 मैंने अभी आपको बताया था, समझाया था, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सामने डायग्राम तैयार किया है। और सही बताऊं तो ये मैंने तैयार नहीं किया ये डायग्राम, ये इंथोबियन ट्रायंगल है, ये मैंने नया ट्रायंगल नहीं बनाया, मैंने ये नया ट्रायंगल इन्वेंट नहीं किया, ये तो आज से बहुत समय पहले विलियम इंथोबियन, जो कि फादर ऑफ ईसीजी थे, उन्होंने इसको घोषित किया था, ठीक है। ये तो बस मैंने प्रेजेंटेशन एक छोटी सी आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, बीच बीच में लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट, लीड 1,
आप इसमें गौर से देखिए, इस ट्राइंगल के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लीड वन कहां लगती है। बहुत आसानी से समझना, देखिए गौर से देखना, लीड वन राइट आर्म और लेफ्ट आर्म पर लगती है, बिल्कुल क्लियर है, रटने की भी जरूरत नहीं है। इस ट्राइंगल को बना लो, रटने की जरूरत नहीं है। लीड वन एक हिस्सा लगता है राइट आर्म पर, एक हिस्सा लगता है लेफ्ट आर्म पर, याद रखिएगा। उसके बाद में लीड टू का एक हिस्सा लगता है राइट आर्म पर, तो एक लगता है लेफ्ट लेग पर। उसके बाद में लीड थ्री में एक हिस्सा लगता है लेफ्ट आर्म पर और एक हिस्सा लगता है लेफ्ट लेग पर। तो इसको याद करने की यानी रटने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो बस आप मेमोराइज करा लीजिए इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। चलिए उसके बाद में मैंने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की है कि इंथोवियन ट्राइंगल है, इसको भूलना मत कभी भी, याद रखना। इंथोवियन ट्राइंगल जो बनता है वो बनता है तीनों लीड्स, जो लिम्ब लीड्स होती हैं, बाइपोलर लीड्स, उनके द्वारा, ठीक है। ये इमेजिनरी ट्राइंगल है जो कि इमेजिन किया गया था फादर ऑफ ईसीजी इंथोवियन ट्राइंगल विलियम के द्वारा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यूनिपोलर लीड्स की। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ईसीजी की लीड्स दो तरह की होती हैं, एक बाइपोलर एक यूनिपोलर। तो अब हम बात करने वाले हैं यूनिपोलर लीड्स के बारे में, ठीक है। तो यूनिपोलर लीड्स की क्या खासियत है, यूनिपोलर लीड्स में वन एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, याद रखना, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड। दोबारा से सुनिए, यूनिपोलर लीड्स में एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव या इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, ठीक है। लेकिन जो बाइपोलर लीड थी उनमें दो थे, पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, ठीक है। और ये दो तरह की होती हैं, बाइपोलर सिंगल टाइप की थी लिम्ब लीड और लिम्ब लीड के अंदर वो तीन तरह की थी, लेकिन यूनिपोलर लीड्स दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, यूनिपोलर लिम्ब लीड जो लिम्ब्स में लगाई जाती हैं और एक होती है यूनिपोलर चेस्ट लीड। कौन सी, यूनिपोलर चेस्ट लीड, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इनको देखेंगे कौन सी लीड कहां लगाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा कि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, उनको हम एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड्स भी कहते हैं या एग्यूमेंटेड वोल्टेज लीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में छपके आता है, बिल्कुल हर बार पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो बिल्कुल पूछते हैं कि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को हम क्या कहते हैं। खूब सुना होगा आपने AVR, AVL, AVF, लेकिन कभी पता नहीं होगा आपको कि AV की फुल फॉर्म क्या है, या आपको पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो AVR लीड है उसमें AV का जो फंक्शन है, AV का जो नाम है, AV का नाम होता है एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड्स, ठीक है, एग्यूमेंटेड वोल्टेज लीड्स। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को हम क्या कहते हैं, एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड्स कहते हैं। चलिए अब बात आती है कि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो याद से ध्यान से सुनिएगा, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती है तीन तरीके की, एक होती है AVR लीड, एक होती है AVL लीड और एक होती है AVF लीड। कौन कौन सी है दोबारा से सुनिए, AVR लीड, AVL लीड और AVF लीड, ठीक है, तीनों ही लीड है। अब बात आती है उस सवाल की जो मैंने शुरुआत में किया था कि प्रैक्टिस के दौरान हम 10 लीड लगाते हैं और ऑन पेपर ऑन ईसीजी के कागज पर जब हम निकल करके आती है कोई भी रिपोर्ट तो कितनी आती है 12 लीड के बारे में। तो आप नीचे गौर से इस नोट को पढ़िए, इन प्रैक्टिस दीज आर सेम इलेक्ट्रोड यूज फॉर लीड 1, 2 एंड 3। ये वही इलेक्ट्रोड है जिनका उपयोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लीड के लिए किया जाता है। इट मीन्स एक यहां पर वेक्टर बनता है, यहां पर क्या होता है, एक वेक्टर बनता है जो लीड वन लीड टू लीड थ्री के द्वारा AVR, AVL और AVF के लिए बनता है, जो ईसीजी की मशीन में ये जनरेट होता है और ईसीजी के कागज पर हमें दिखाई देता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ईसीजी लीड्स कहां लगती हैं, ईसीजी लीड्स चेस्ट पे भी लगती हैं, लिम्ब्स पे भी लगती हैं, लेकिन यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो लिम्ब लीड स्टैंडर्ड वाली लिम्ब लीड्स ही दे देती हैं, यानी लिम्ब लीड 1, 2, 3 वही इसका रिपोर्ट दे देती हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने साफ साफ आपको नीचे दिखा दिया है, साफ साफ पॉइंट में बता दिया है कि ये वही इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि लीड 1, लीड 2 और लीड 3 इनके लिए इनका यूज किया जाता है। सोनू अग्रवाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सोनू।
साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहें। हो सकता है कि आजकल जो लेक्चर है उसमें मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करूं, बार बार चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इस बात की गारंटी है, पूरी गारंटी है कि आज आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है वेव्स ऑफ ईसीजी के लिए। अगर आपको वेव्स ऑफ ईसीजी पता करनी है तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। और ईसीजी के लेक्चर मेरे दो होने वाले हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको वेव्स के बारे में नहीं बता रहा, पहले लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ लीड्स के बारे में, और दूसरे में बताऊंगा वेव्स के बारे में। तो गारंटी के साथ में आप ईसीजी पढ़ना भी सीख जाओगे अगर थोड़ा कंसेंट्रेशन करके चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट शुभम सिंह, वेरी गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि यूनिपोलर चेस्ट लीड्स के बारे में। अब ये यूनिपोलर चेस्ट लीड ईसीजी में कहां लगती है और इन्हें हम क्या कहते हैं? तो यूनिपोलर चेस्ट लीड्स, उनको हम कहते हैं वी लीड्स या प्रीकार्डियल चेस्ट लीड। जो यूनिपोलर लीड्स थी उनको हम एग्यूमेंटेड, कौन सी लिम्ब लीड थी उनको हम एग्यूमेंटेड लीड कह रहे थे, लेकिन जो चेस्ट लीड है उनको हम वी लीड या प्रीकार्डियल चेस्ट लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीकार्डियल चेस्ट लीड। सोनू अग्रवाल पूछ रहे हैं सर कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है? सोनू 5 बजे से लाइव क्लास हमारी हर एक दिन छोड़कर के एक दिन हमारी लाइव क्लास 5 बजे स्टार्ट होती है, अलग अलग टॉपिक के साथ में और जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। भाई सीधा सीधा सा मेरा सिद्धांत यह है कि नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं या बीएमएस के जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी कारण से वो ना कॉलेज जा पा रहे ना कोचिंग जा पा रहे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है मिनी अटेम्प्ट, तो ऐसी ही मैंने एक छोटी सी कोशिश की है बच्चों को ऑनलाइन स्टडी देने के लिए, और वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लिंक शेयर करनी है, उस लिंक को खोलना है और क्लास से जुड़ जाना है। तो इसलिए आप लिंक को शेयर जरूर करें, और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि जिस दिन हमारी पूरी कंप्लीट क्लासेस होंगी आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपकी सारी एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समय लगता है हर चीज में, धीरे धीरे हम समय के साथ में दिन बाई दिन हम लेक्चर बनाते रहेंगे, लेक्चर मैं आपके लेता रहूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारे कंप्लीट लेक्चर इस मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिपोलर चेस्ट लीड्स के बारे में, तो यूनिपोलर चेस्ट लीड्स क्या होती है? यूनिपोलर चेस्ट लीड्स को हम बी लीड या प्रीकार्डियल चेस्ट लीड कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यूनिपोलर चेस्ट लीड को हम कहां लगाते हैं? भाई जब हम ईसीजी लेते हैं तो ईसीजी लेते समय आपने देखा होगा कि लीड्स चेस्ट पे भी लगती है, लिम्स पे भी लगती है, तो लिम्स की तो हम पढ़ चुके, अब बात करेंगे चेस्ट पे कौन कौन सी लीड और कहां लगती है। तो हमारी चेस्ट पर, पेशेंट की चेस्ट पर यूनिपोलर चेस्ट लीड 6 पॉइंट है, 6 ऐसे स्थान है, 6 ऐसी जगह है जहां पर इनको प्लेस किया जाता है, और वो 6 लीड ही होती हैं। उनका नाम होता है V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करेंगे कि पोजीशन ऑफ यूनिपोलर चेस्ट लीड्स की, यूनिपोलर चेस्ट लीड की पोजीशंस क्या होती हैं। तो ये 6 लीड हैं, 6 अलग अलग स्थानों पर, 6 अलग अलग जगह पर लगती हैं। तो गौर से सुनिएगा कौन सी लीड कहां लगती है। आज के बाद में हो सकता है कि आप किसी मरीज की ईसीजी ले लो, क्योंकि जब आपको लीड पता चल गई, और मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि लीड जिस बच्चे ने लगा ली, जिस नर्स ने लीड लगा दी, जिस डॉक्टर ने लीड्स लगा दी, ईसीजी तो निकल के आनी है। ये तो ऐसे समझ लो, ये तो वो व्यवस्था है पूरी कि आपने प्लग अगर लगा दिया बोर्ड में तो लाइट जलनी ही जलनी है, पढ़ाई करी दिमाग चलना ही चलना है। ऐसे ही ईसीजी में है, लीड सही लगा दी तो आपका काम हो जाएगा, मशीन अपने आप रिकॉर्ड लगा करके दे देगी, रिकॉर्ड बना करके दे देगी। ठीक है, तो लीड लगाना सीख लो सबसे पहले, उसकी डिटेल स्टडी बाद में करना। कई लोग क्या करते हैं कि पहले ही जैसे नर्सिंग में एंटर हुए, फर्स्ट ईयर में एंटर हुए, या बीएमएस में, या मेडिकल के एमबीबीएस में, किसी भी मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्स में लोग क्या सोचते हैं कि हम आज से ही डॉक्टर बन गए साहब, आज से ही नर्सिंग ऑफिसर बन गए। नहीं, ये एक तपस्या है, एक लंबी प्रोसेस है जिसको पूरा करके हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो हिम्मत मत हारिए कभी भी, और मेहनत करते रहिए। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, और किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, परेशान नहीं होगा, मेरी बातों पर ध्यान मत दो, देना जो अच्छी बातें हैं सबकी ध्यान दो, लेकिन जो खराब बातें हैं उन पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो चलो दोबारा से लौट के आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम लगाएंगे अब लीड, कौन सी लीड कहां लगती है। देखिए V1 लीड लगती है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, याद रखना
जो हमारी रिब्स हैं उनके बीच में होता है इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस किन्हें कहते हैं? दो रिब्स के बीच में आने वाला स्पेस। तो दोनों जो हमारी चेस्ट लीड हैं, जितनी भी चेस्ट लीड हैं, वो इंटरकोस्टल स्पेस के अनुसार लगाई जाती है। तो जो V1 लीड है वो हम लगाते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, नियर द राइट साइड ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? इसको हम चेस्ट बोन कहते हैं। पहले हमें चेस्ट बोन का पता करना है। चेस्ट बोन जैसे ही पता लग जाए तो हमें चौथा इंटरकोस्टल स्पेस मरीज में पाल्पेशन के द्वारा पता करना है, छू करके उसको देखना है, उसके चेस्ट को, और चौथा इंटरकोस्टल स्पेस पहचान लेना है। और जैसे ही चौथा इंटरकोस्टल स्पेस हमने पहचान लिया तो उसके राइट साइड में, याद रखना लेफ्ट में नहीं, राइट साइड में, स्टर्नम के राइट साइड में चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में V1 लीड बिना देखे आंख बंद करके लगा दो। उसके बाद में V2 लीड चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम में लगाई जाती है। याद रखिएगा, स्टर्नम में लेफ्ट साइड में चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में ही, दोनों एक ही बात है, चौथा इंटरकोस्टल स्पेस है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो स्टर्नम के राइट साइड में है और ये स्टर्नम के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अगली है V3। V3 लीड लगती है V2 और V4 के बीच में। इसका मतलब हमें पहले B4 लगानी पड़ेगी। B4 लगा दी तो B3 तो हम उसके बीच में लगा देंगे। तो हम देखते हैं B4 कौन सी है। तो B4 है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इन मिड क्लेविकुलर लाइन। अब ये क्या नई चीज आ गई, मिड क्लेविकुलर लाइन? कुछ नहीं है, ये क्लेविकल एक हड्डी होती है। मैंने आपको जिस समय बोन्स के बारे में पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि क्लेविकल जो बोन है उसको हम कॉलर बोन या फीमेल्स में ब्यूटी बोन कहते हैं। तो वो ब्यूटी बोन के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीचों बीच में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो इमेजिनरी लाइन कहलाती है मिड क्लेविकुलर लाइन। उसी लाइन को ध्यान में रख के पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस में, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में? पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस में हमको लेफ्ट साइड में, याद रखना राइट में नहीं, अब राइट का काम खत्म। V1 सिर्फ राइट में लगती है, बाकी की सभी कहां लगती हैं? लेफ्ट साइड में। तो पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर लेफ्ट साइड में V4 लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट V5। V5 जो लीड है वो लगती है पांचवें ही इंटरकोस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन कौन सी है? ये एक्सिला वाला पोर्शन है, इस एक्सिला पोर्शन के जस्ट सामने एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, इधर लगती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पांचवी लीड। छठवी लीड लगती है लेफ्ट साइड में ही पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस में ऑन मिड एक्सिलरी लाइन, यानी मिड एक्सिलरी लाइन बिल्कुल एक्सिला के मिड में ये पांचवी लीड प्लेस करती है, ठीक है। चलिए अब आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सामने क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये साइड है राइट साइड, ये कौन सी साइड है? ये साइड है राइट साइड और ये साइड है लेफ्ट साइड, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये राइट साइड है एक तरफ और एक ये है लेफ्ट साइड। तो इनके बीच में इस समय आप देख सकते हैं ये स्टर्नम है और इधर की तरफ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है रिब्स के बारे में। ये रिब्स हैं, ये स्टर्नम है, इधर की साइड में भी रिब है क्योंकि रिब दोनों तरफ होती है ना। तो सबसे पहले हमने लगाई लीड 1, तो लीड 1 हम कहां लगाएंगे? चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में, चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम के राइट साइड में, ठीक है। मीनू शर्मा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मीनू। उसके बाद में लगती है लेफ्ट साइड में चौथे ही इंटरकोस्टल स्पेस में दूसरी लीड, याद रखना चेस्ट लीड दूसरी लीड लेफ्ट साइड में चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है। उसके बाद में हमें लगानी होती है चौथी लीड जो कि पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है। तो चौथी लीड जैसे ही हमने पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई, फिर दूसरी और चौथी के बीच में हम तीसरी लीड लगा देंगे। देन उसके बाद में फिर पांचवें ही इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है पांचवी लीड जो कि एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर लगती है, और उसके बाद में लगती है लास्ट में छठवी लीड जो कि पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन पर लगती है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा चेस्ट लीड्स के बारे में, चेस्ट लीड्स कहां लगाई जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगली आने वाला जो हमारा लेक्चर है पार्ट 2, उसमें वेव्स ऑफ ECG के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम मरीजों के ECG लेते समय लीड्स लगाते हैं, कहां कहां किस किस जगह पर लीड्स लगाते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो रिपोर्ट निकल करके आती है उस रिपोर्ट में कौन कौन सी वेव्स हमें ECG के दौरान दिखाई पड़ती है।
तो जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, सेकंड लेक्चर होगा, उसमें हम वेव्स ऑफ ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप जहां इस समय यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी जो नर्सिंग कर रहे हैं उन सभी को कहें कि हमारे YouTube चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वो इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट वंचित ना रहे पढ़ाई से, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे आने जाने की दिक्कत हो सकती है, कोई भी टाइम हो सकता है जिससे आप मोबाइल से घर से ही पढ़ सकें, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू की है। तो सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल मिनी अटेम्प्ट को शेयर जरूर करें, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सामने आप देख रहे हो कितने प्यार से ये बेचारा कह रहा है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लो और उसमें ऑल जरूर दबाना। जैसे ही मैं इधर से वीडियो डालूं, जैसे ही मैं इधर से लाइव सेशन करूं, फटाफट से आपके मोबाइल में मैं तुरंत आ जाऊं या आपकी स्क्रीन पर मैं तुरंत आ जाऊं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।